गिनती 34वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल को हुक्म कर और उनको कह दे कि जब तुम मुल्के कनान में दाखिल हो, ये वही मुल्क है जो तुम्हारी मेरास होगा, यानी कनान का मुल्क बेमा अपनी हदूद अरबा के, तो तुम्हारी जनूबी समत दश्ते सयन से लेकर मुल्के अदोम के किनारे किनारे हो, और तुम्हारी जनूबी सरहद दरियाए शोर के आखर से शुरू होकर मशरिक को जाए, वहां से तुम्हारी सरहद एक्राबीम की चढ़ाई के जनूब तक पहुंचकर मुड़े और सयन से होती हुई कादिस बरना के जनूब में जाकर निकले और हिस्रादार से होकर इजमून तक पहुंचे, फिर यही सरहद इजमून से होकर घूमती हुई मिस्र की नहर तक जाए और समुन्दर के साहिल पर खत्म हो, और मगरबी समत में बड़ा समुन्दर और उसका साहिल हो, सो यही तुम्हारी मगरबी सरहद ठहरे, और शुमाली समत में तुम बड़े समंदर से कोहे होर तक अपनी हद रखना, फिर कोहे होर से हमात के मुदखल तक तुम इसी तरह अपनी हद मुकरर करना कि वो सेदात से जा मिले और वहां से होती हुई जेफरून को निकल जाए और हिस्र एनान पर जाकर खत्म हो, ये तुम्हारी शमाली सरहद हो, और तुम अपनी मशर की सरहद हिस्र एनान से लेकर सफाम तक बांधना, और ये सरहद सफाम से रिबला तक जो ऐन मशरक में है जाए, और वहां से नीचे को उतरती हुई केजत की झील के मशरकी किनारे तक पहुंचे, और फिर यर्दन के किनारे किनारे नीचे को जाकर दरियाए शोर पर खत्म हो, इन हदूद के अंदर का मुल्क तुम्हारा होगा। सो मूसा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि यही वो जमीन है जिसे तुम कुर्रा डालकर मेरास में लोगे, और इसी की बाबत खुदावन ने हुक्म दिया है कि वो 9.5 कबीलों को दी जाए, क्योंकि बनी रोबन के कबीला ने अपने अबाई खानदानों के मुआफिक और बनी जद के कबीला ने भी अपने अबाई खानदानों के मुताबिक मेरास पाली, और बनी मनस्सी के आधे कबीला ने भी अपनी मेरास पाली, यानी इन 2.5 कबीलों को यर्दन के इसी पार यरहू के मुकाबिल मशरिक की तरफ जिधर से सूरज निकलता है मेरास मिल चुकी है। और खुदावन ने मूसा से कहा कि जो इश्कास इस मुल्क को मेरास के तौर पर तुमको बांट देंगे, उनके नाम ये हैं, यानी अलीजर काहिन और नून का बेटा यशु, और तुम जमीन को मेरास के तौर पर बांटने के लिए हर कबीला से एक सरदार को लेना, और उन आदमियों के नाम ये हैं, यहूदा के कबीला से यफूना का बेटा कालेब, और बनी शमून के कबीला से अमीहूद का बेटा सैमुएल, और बिन्यामीन के कबीला से किसलून का बेटा अलीदाद, और बनी दान के कबीला से एक सरदार बुकी बिन युगी, और बनी यूसुफ में से यानी बनी मनस्सी के कबीला से एक सरदार हनीएल बिन अफोद, और बनी इफ्राइम के कबीला से एक सरदार कोमियल बिन सिफ्तान, और बनी जुबलून के कबीला से एक सरदार अली सफोन बिन फरनाक, और बनी इश्कार के कबीला से एक सरदार फलतियल बिन एजान, और बनी आशर के कबीला से एक सरदार अखियोद बिन शलूमी, और बनी नफ्ताली के कबीला से एक सरदार फदिहेल बिन अमीहियोद। ये वो लोग हैं जिनको खुदावन ने हुक्म दिया कि मुल्के कनान में
بنی اسرائیل کو میراث تقسیم کر دیں۔